नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना वायरस की आड़ में हॉस्पिटल्स की मनमानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिन पहले ही वाइनस हॉस्पिटल की खबर थी कि वहां के कोरोना पेशेंट के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनके पेशेंट की डेथ हो गई। अभी बात करेंगे होप हॉस्पिटल की, जहाँ पे कोरोना पेशेंट के परिजनों ने हॉस्पिटल को आग लगाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि पेशेंट की डेथ होने के बाद भी बॉडी नहीं देने की वजह से ये हंगामा हुआ। गुस्से में आके होप हॉस्पिटल के एंट्रेंस में तोड़फोड़ और पेट्रोल डाल के आगजनी का काम किया गया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मंगलवार के रात को भर्ती किया, उसके बाद में 20,000 रुपये जमा किया था। उसके बाद में कल बोले 50,000 रुपये दो, बोले नहीं तो बॉडी लेके जाना पड़ेगा। बोले तो 20,000 मेरे पास में इधर उधर से ला के मैंने फिर जमा किया कल। कल कितने दिन रहे यहाँ पे पेशेंट? मंगलवार से अभी शनिवार आ गया। चार दिन रहे। एनएमसी की तरफ से तो गाइडलाइन जारी की कि उसे कोई फॉलो नहीं कर रही है। कोई फॉलो नहीं कर रही है, उसी के लिए आए थे। ये मेरे पास आए, मैं ओम प्रकाश हूँ, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से हूँ, इधर प्रभार मेरे पास है। ये मेरे पास चलकर आए, मैंने पहले डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करी, अगर बोले वो एनएमसी के गाइडलाइन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनका जो भी बनना निकलेगा आपको देना पड़ेगा। वो सिलसिले में बात करने इनके पास में आया। इनके यहाँ पर कुछ बाउंसर्स बैठे थे, उनमें से एक दो जनों ने कॉपरेट किया, मुझे अंदर जाने दिया। उनका मैनेजर, स्वामी जी का मैनेजर, मैंने जब स्वामी जी से बात किया, स्वामी जी इनके बहू का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तू कौन है बे, तेरे को अंदर किसने आने दिया? और उसके साथ मैनेजर था, उसने निकाल के, छोटा सा माउजर था इतना सा, फट से निकाल के मेरे यहाँ लगा दिया। निकल जा बोले तो यही टपका दूंगा बोले तेरे को। कौन था जिसने ऐसा किया? स्वामी जी का जो मैनेजर है इस हॉस्पिटल का, वो और मेरे साथ दो जन और थे, उनके ऊपर भी अंदर से हमला हुआ। हमको दरवाजे के अंदर में कैबिन में जबरन बंद करने की कोशिश की इन्होंने। साहब, अगर किसी गरीब की, आज इसके छः महीने के बच्चे की माँ अगर मर गई है, इस आदमी की बहू अगर मर गई है, तो कौन सा संविधान ऐसा कहता है कि पैसों के लिए आप उसके अर्थी नहीं दोगे, उसकी लाश नहीं दोगे? और इस हॉस्पिटल में कोई नया नहीं है, ये हमेशा का चल रहा है हॉस्पिटल में। लोग यहाँ से जिंदा आते हैं लेकिन मुर्दा वापस जाते हैं। एनएमसी की तरफ से जो दोबारा फिर से गाइडलाइन जारी की गई, कोई फॉलोअप नहीं कर रहे। इनसे जबरदस्ती 35-40 हज़ार की दवाई मंगा लिए, वो भी अंदर दवाई मंगा मेरे से। और कल क्या बोलता, 50,000 दे नहीं तो बॉडी लेके जा बोलता मैनेजर यहाँ का। हाँ, ऐसी बात कर रहे थे। और मेरी सब चीज़ है सर, मैं एक जवाबदारी, आप जैसे जर्नलिज्म में हूँ, मैं आज मानव का अधिकार में हूँ। गरीब के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसके सपोर्ट में आना मेरा फर्ज है। अगर हमारे ऊपर में अगर ये माउजर निकाल रहे हैं और हमारे ऊपर में हमला करा रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी ताकत इतनी बुलंद हो गई है कि चौथे स्तंभ को भी जमाने की ताकत कर रहे हैं। 40,000 का इंजेक्शन ला के दिए अपन ने, उससे भी कुछ नहीं। फिर सर, मेरे आपके माध्यम से ये अस्थमा लाओ बोले तो 9,500 का दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हथियार निकाल के कराना किसी को, संवैधानिक ये न्याय नहीं है ये। कल सर मैं वो क्या बोले, ब्लड ला दो बोले। मैंने कल रात को बोले मेरा ब्लड आपने अपने अवेल नहीं है, तो बोले अपने ब्लड अवेल नहीं है बोले। मैंने ठीक है बाहर से लाया ब्लड। मेरे को क्या बोले थे बोले 15,000 का ब्लड है। मैंने बाहर से लाया तो मेरे को वो ब्लड 9,000 मिला। 15,000 का और बाहर 9,000 का। आप क्या करते हो वैसे? मैं ऑटो चलाता हूँ। हाँ सर, अभी तक ये टोटल खर्चा आ गया आपको यहाँ पे? अभी मेरे को कम 40,000, वो मेरे को डाउन पेमेंट 40,000, 10,000-20,000 बनने बोले। 40-80 और 10 यानी 90-1 लाख रुपए का खर्चा आ गया। जब पेशेंट को भर्ती किए थे उस वक्त उनकी कंडीशन कैसी थी? अच्छी थी, नॉर्मल थी। तकरीबन मंगलवार से लेकर तो आज शनिवार आ चुका है। इसी दौरान डेथ हो गई। मैं शेख असलम, अखिल भारतीय सेना नागपुर से जिला प्रमुख। आज जो ये पाली जी आए मेरे पास आए थे कि देखो कि यहाँ होप हॉस्पिटल में मेरी मिसेज भर्ती है जिसकी उम्र मात्र 29 साल की है। तो मैंने 40,000 रुपये जमा कर चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कल 50,000 जमा करने को बोले। तो मेरे पास 20,000 थे, तो मैंने 20,000 भर्ती के दिया। तो 20,000 रुपये देने के बाद यहाँ के जो मैनेजर है वो इनको बोलता है कि आप अगर 50,000 जमा नहीं कर सकते तो कल लाश लेके जाना। ये कितनी घटिया बात है। पेशेंट को यानी इनको पति को बोल रहा खुद, अगर तेरे पास ताकत नहीं है 50,000 जमा करने की तो कल लाश लेके जाना। इन्होंने मुझे बताया तो मतलब चलो, फिर मैंने ओम प्रकाश साहू को साथ में लाया जो भारतीय मानवाधिकार आयोग से है, जो विदर्भ अध्यक्ष है। तो जब हमने इनके साथ जब चर्चा करने गए डॉक्टरों के साथ, इनके मैनेजर के साथ, कि भैया तो बोलते आप कौन है, आप बाहर निकलो गेट के। तो भैया हम आपका जो है, जो भी आपका क्या है बिल, वो मर गई है बोले।
1,20,000 रुपये दो और लाश लेके जाओ। तो बोले ये तरीका क्या, बोले आपका बात करने का। तो उस वहाँ पे जो एक व्यक्ति है मैनेजर के कोने मालूम नहीं, उन्होंने एक रिवॉल्वर लगा के इनके सीने पे तान दिया और इनके साथ बाउंसर भी है। तो बाउंसर ने भी, इन्होंने सब भिड़ गए थे, तो जबरन इनके साथ में जो हमारे 10-20 लोग छत में थे इनके जो पेशेंट के परिचित, तो इनको जब मारते हुए देखा कि किसी को हमने हमने इन लोगों को लेके आए और आज इनके ऊपर हाथ उठा रहे, तो वो भिड़ गए पूरे। तो इस तरीके से आज यहाँ पर जो हंगामा हुआ है, तो लोगों को मार डालेंगे फिर तुम लोग। मैं आपके माध्यम से आपके, आप यहाँ आए और आप देख भी रहे यहाँ का सिचुएशन, मेरी एक ऐसी इच्छा है, एक मांग है कि होप हॉस्पिटल को ताला लगने को ना, और जिनने भी उस महिलाओं को जो पाली अनीता पाली को उस मार दिए उन पर हत्या का केस दुगुना दाखिल होने को ना, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नब्बे एक लाख रुपए का खर्चा आ गया। जब पेशेंट को भर्ती किए थे उस वक्त उनकी कंडीशन कैसी थी? अच्छी थी, नॉर्मल थी। तकरीबन मंगलवार से लेकर तो आज शनिवार आ चुका है। हाँ, शनिवार आ चुका इसी दौरान डेथ हो। मैं शेख असलम, अखिल भारतीय सेना नागपुर से जिला प्रमुख। आज जो ये पाली जी आए मेरे पास आए थे कि देखो कि यहाँ होप हॉस्पिटल में मेरी मिसेज भर्ती है जिसकी उम्र मात्र 29 साल की है। तो मैंने 40,000 रुपये जमा कर चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कल 50,000 जमा करने को बोले, तो मेरे पास 20,000 थे, तो मैंने 20,000 भर्ती दिया। तो 20,000 रुपये देने के बाद यहाँ के जो मैनेजर है वो इनको बोलता है कि आप अगर 50,000 जमा नहीं कर सकते तो कल लाश लेके आना। ये कितनी घटिया बात है। पेशेंट को यानी इनको पति को बोल रहा खुद, अगर तेरे पास ताकत नहीं है 50,000 जमा करने की तो कल लाश लेके जाना। इन्होंने मुझे बताया तो मतलब चलो, फिर मैंने ओम प्रकाश साहू को साथ में लाया जो भारतीय मानवाधिकार आयोग से है, जो विदर्भ अध्यक्ष है। तो जब हमने इनके साथ जब चर्चा करने गए डॉक्टरों के साथ, इनके मैनेजर के साथ, कि भैया तो बोलते हैं आप कौन है, आप बाहर निकलो गेट के। तो भैया हम आपका जो है, जो भी आपका क्या है बिल, वो मर गई है, बोले 1,20,000 रुपये दो और लाश लेके जाओ। तो बोले ये तरीका क्या, बोले आपका बात करने का। तो उस वहाँ पे जो एक व्यक्ति है मैनेजर के कोने मालूम नहीं, उन्होंने एक रिवॉल्वर लगा के इनके सीने पे तान दिया और इनके साथ बाउंसर भी है। तो बाउंसर ने भी, इन्होंने सब भिड़ गए थे, तो जबरन इनके साथ में जो हमारे 10-20 लोग छत में थे इनके जो पेशेंट के परिचित, तो इनको जब मारते हुए देखा कि किसी को हमने इन लोगों को लेके आए और आज इनके ऊपर हाथ उठा रहे, तो वो भिड़ गए पूरे। तो इस तरीके से आज यहाँ पर जो हंगामा हुआ है, तो लोगों को मार डालेंगे फिर तुम लोग। मैं आपके माध्यम से आपके, आप यहाँ आए और आप देख भी रहे यहाँ का सिचुएशन, मेरी एक ऐसी इच्छा है, एक मांग है कि होप हॉस्पिटल को ताला लगने को ना, और जिनने भी उस महिलाओं को जो पाली अनीता पाली को उस मार दिए उन पर हत्या का केस दुगुना दाखिल होने को ना, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे।